पुनर्जागरण की जब हम बात करते हैं, पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, अर्थात अंधकार से ग्रसित यूरोप को प्रकाश की ओर ले जाना। पुनर्जागरण का प्रारंभ सर्वप्रथम इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है और दांते ने डिवाइन कॉमेडी जैसी पुस्तक की रचना की थी और इस पुस्तक में नर्क एवं स्वर्ग का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया। एक तरफ इस पुस्तक में नर्क के दुखों का वर्णन किया गया है तो वहीं इस पुस्तक में दूसरी ओर नर्क के यानी इस पुस्तक में दूसरी ओर स्वर्ग के सुख का वर्णन किया गया। यह पुस्तक इतना लोकप्रिय हुआ कि स्वर्ग की सुख की चाहत में इटली के लोगों ने एक दूसरे के साथ बाजी लगा दी कि स्वर्ग की सुख कौन प्राप्त करना चाहता है और इस चाहत में लोगों ने कौन एक दूसरे से अच्छे काम करता है इसके लिए बाजी लगा दिया। जरा आप सोचो, जब किसी देश की धरती पर जनता के बीच इस बात की कंपटीशन लग जाए कि कौन किससे अच्छा से अच्छा काम करता, तो फिर उस देश की तकदीर को बदलने में देर नहीं लगता। इस प्रकार पुनर्जागरण ने इटली के तकदीर को बदल दिया। पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को कहा जाता और दांते इटली का रहने वाला था। पुनर्जागरण की भावना को आगे बढ़ाने में इटली के चित्रकारों एवं मूर्तिकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इटली के चित्रकारों में लियोनार्डो द विंसी, माइकल एंजेलो एवं राफेल का नाम लिया जा सकता है। लियोनार्डो द विंसी महान वैज्ञानिक, इंजीनियर, चित्रकार, मूर्तिकार था। लियोनार्डो द विंसी के चित्रों में मोनालिसा एवं द लास्ट सफर को शामिल किया जा सकता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, गेरिवाल्डी एवं काउंट द काबुल को जाता है। हम देखते हैं कि मुसोलिनी इटली का रहने वाला था। इतिहास में हम इसे ड्यूस के नाम से जानते हैं। मुसोलिनी ने कहा था कि प्रकृति का नियम है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, इसलिए इटली को छोटी नहीं बड़ी मछली बननी है। मुसोलिनी ने इटली की धरती पर फासिज्म बांध को प्रारंभ किया था। यहाँ पर ज़्यादातर प्रश्न का स्वरूप ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, यूरोप में कहाँ से इटली में तो फ्लोरेंस नगर से। इस प्रकार फ्लोरेंस नगर कहाँ है, इटली में। पूछेगा कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया, दांते कहाँ का रहने वाला था, इटली का। इसने कौन सी पुस्तक की रचना की, डिवाइन कॉमेडी, और इस पुस्तक में किसका उल्लेख हुआ है, तो नर्क एवं स्वर्ग का। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पुनर्जागरण की भावना को आगे बढ़ाने महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था, इटली के चित्रकारों ने, मूर्तिकारों ने। इटली के चित्रकारों में कौन कौन शामिल है, लियोनार्डो द विंसी, माइकल एंजेलो एवं राफेल। पूछेगा लियोनार्डो द विंसी कौन था, यह महान वैज्ञानिक, इंजीनियर, चित्रकार एवं मूर्तिकार था। इसके चित्रों में क्या शामिल किया जा सकता है, मोनालिसा एवं द लास्ट सफर को। पूछेगा कि इटली के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, इटली के एकीकरण का श्रेय जाता है मेजनी, गेरिवाल्डी एवं काउंट द काबुल को। पूछेगा मुसोलिनी कहाँ का रहने वाला था, तो मुसोलिनी इटली का रहने वाला था। इसे इतिहास में किस नाम जानते हैं, इसे ड्यूस के नाम जानते हैं। इसने किस क्या प्रारंभ किया था, फासिज्म बांध। पूछेगा किसने कहा था कि प्रकृति का नियम है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ये मुसोलिनी ने कहा था। क्लियर।